तीसवां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरि ओम ओम देवः सवितः प्रशुभ यजियं प्रशुभ यजियापतिं भगाय दिव्यौ गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। अर्थात हे सविता देव, आप प्रमुख उत्पादक हैं, आप यज्ञ के उत्पादक हैं, आप यज्ञपति को सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप दिव्य गंधर्व हैं, आप पवित्र विचारों वाले हैं, आप हमारी विचार वाणी को भी पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। आप वाणी पति, आप हमें भी मधुर बनाइए। हे सविता देव, आप वरेण्य हैं, आप देवताओं के लिए सौभाग्य दाता हैं, आप हमारे बुद्धि को भी प्रेरित करने की कृपा करें। हे सविता देव, आप सब देवों के देव हैं, आप हमारी कमियों को दूर कीजिए। आप जो भी हमारे लिए भद्र हैं उसे लाने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, हम आपका आवाहन करते हैं, आप संरक्षक हैं, धनवान हैं, प्रेरक हैं, सभी को संपत्ति देने वाले हैं। ब्राह्मण के लिए ब्रह्मज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य उपरयुक्त है। चारों के लिए अंधकार, नरक के लिए वीरघात, नपुंसक के लिए पाप, खरीद के लिए पुरुषार्थी, काम के लिए व्यभिचार, अच्छी बोलने की शक्ति के लिए प्रमाण देने वाला उपयुक्त होता है। अंग चालन हेतु सूत, गीत के लिए नट, धर्म के लिए सभासद, नेतृत्व हेतु क्षमतावान, नरमाई हेतु मधुरभाषी, मनोद विनोद हेतु स्वांग करने वाला उपयुक्त रहता है। आनंद प्राप्ति के लिए स्त्रियों के प्रति सख्य भाव, प्रबल मद के लिए कुमारी, पुत्र मेधावी के लिए रथकार और धैर्य के लिए गड़िया कार होना उपयुक्त है। तपाने के लिए कुम्हार, माया के लिए कारीगर, रूप के लिए मणिकार, शुभ कार्य के लिए कारशाण में प्रवीण, लक्ष्य भेदी बाण के लिए इसुकार, आयुध के लिए धनुषाकार, कर्म के लिए ज्याकार, आज्ञा देने हेतु रज्जु सर्जक, मृत्यु के लिए साई, यम के लिए स्वान पालक की नियुक्ति की जानी चाहिए। नदियों के लिए नाविक, रीच आदि के, वानरों के, शेर की तरह दुर्दम्य पुरुष के लिए प्रबल प्रतापी को, गंधर्व और अप्सराओं के लिए असंस्कारित शोधार्थी हेतु उन्मत्त को, सर्व मनुष्य देवों के लिए ज्ञानी को, और द्युत के लिए द्युत में कुशल व्यक्ति को, उन्नति के लिए छल कपट मुक्त, पिशाच के लिए हृदय विदीर्ण करने वाले, राक्षसों जैसे लुटेरों के लिए रास्ते में कांटे अटकाने वालों को नियुक्त कर दो प्रभु। संत के लिए मित्र को, घर के लिए उपमुखिया को, गरीबी के लिए धन को, आपातकाल में साधन जुटाने में दक्ष को, सिद्ध के लिए हित को, सर्वोपरि मानने वाले संस्कार हेतु शुद्धिकरण में कुशल को, ज्ञान प्राप्ति हेतु कार्य कुशल को, अचानक काम आ पड़ने पर वास वाले व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए आग्रह में दक्ष को, तथा बल हेतु सहारा देने वाले को नियुक्त करना चाहिए। शत्रुओं के नाश हेतु तलवार को, मनोरंजन हेतु बौने को, द्वार हेतु मेहनती को नियुक्त किया जाना चाहे। सपने के लिए चक्षुहीन का, अधर्म के लिए बहरे का अनुकरण करना चाहे। पवित्रता के लिए वैद्य का, अच्छे ज्ञान के लिए नक्षत्र विज्ञानी का, अशिक्षा हेतु प्रश्नकर्ता का, उपशिक्षा हेतु अभिप्रश्नकर्ता और मर्यादा के लिए प्रश्नकर्ता को नियुक्त करो। भारी वाहन हेतु हाथी पालक को, तेज गति हेतु अश्वपालक को, पुष्ट हेतु ग्वाले को, ओज हेतु भेड़ पालक को, तेज हेतु महसी पालक को अथवा अज पालक को, अनवृद्ध हेतु कृष्णान को, अमृत जैसे पेय हेतु अमृत विशेषज्ञ को, सुख कल्याण हेतु गृहपति को, श्रेय हेतु धनवान को, अक्षयता हेतु निरीक्षक को नियुक्त किया जाता है। अग्नि हेतु लकड़हारे, प्रकाशक हेतु अग्नि जलाने वाले को, गर्मी के लिए जल वर्षाने वाले को, स्वर्ग जैसे सुख हेतु चारों ओर से घेरने वाले को, देवलोक हेतु सुंदर आकार बनाने वाले को, मनुष्य हेतु प्रसार करने वाले को, सभी लोगों के लिए संतोष देने वाले को, वध के लिए हल्ला मचाने वाले को नियुक्त किया जाना चाहे।
बुद्धि पाने के लिए वस्त्र छालन शोभा हेतु चित्त प्रगारी के ज्ञाता का अनुकरण करना चाहिए। शत्रु के लिए गुप्त हृदय वाला बैरी की हत्या, चुगलखोर भेद से स्वप सुखों की ओर से वेष्टित वाले को नियुक्त करना चाहिए। क्रोध लोह को भी ताप देने वाला होता है, क्रोध की शांति हेतु जग को निसार समझने वाले की नियुक्ति करनी चाहिए। योग के लिए योगी की नियुक्ति करनी चाहिए, शोक के लिए सांत्वना देने वाले को नियुक्त करना चाहिए, संरक्षण के लिए मुक्तिदाता को नियुक्त करना चाहिए। उतार चढ़ाव हेतु ऊंच नीच में दक्ष को, शरीर हेतु मनोनुकूल आचरण को, शालीनता हेतु आंख शुद्ध करने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। विपत्ति हेतु संचय नीति को, यमनियम आदि हेतु असूया को नियुक्त किया जाता है। हे परमात्मा, यम के लिए नियम में समर्थ स्त्री को नियुक्त करना चाहिए, अहिंसकों के लिए अवतोतका को नियुक्त करना चाहिए, संवत्सर हेतु समय की व्यवस्था जानने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए। परिवत्सर के लिए कुमारी को, इदावत्सर हेतु गतिशील को, अनुवत्सर हेतु ज्ञानवती को, अनुवत्सर हेतु वृद्धा को, संवत्सर हेतु श्वेत बाल वाली वृद्धा को नियुक्त करना चाहे। रिव हेतु प्रजापति के लिए मित्रता को करने वाले को साध्य करना चाहे। तालाब हेतु मछुआरों को, उपवन हेतु सेवकों को, छोटे तालाब हेतु निषादों को, नड़बल हेतु मक्षियों को, जीविका निर्वाह को नियुक्त किया जाता है। भीवत्स कामों के लिए अनगढ़ लोगों को नियुक्त की जाना चाहे। अच्छे वर्ण के लिए सुनार तोलने के लिए बनिए की नियुक्ति करनी चाहे। बाद में दोष देने वाले के नाराज व्यक्ति को, सभी प्राणियों के लिए सिद्धदायक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहे। समृद्ध हेतु जागरणशील को, असमृद्ध हेतु स्वप्नजीवी को, पीड़ा से मुक्ति के लिए सावधान करने वाले को, उन्नति हेतु अभिमान रहित को, बाण निशाने पर साधने के लक्ष्य साधक को नियुक्त करना चाहिए। जुआ खेलने के लिए दुत्कारी क्रियाशील हेतु समीक्षा करने वाले, त्रेता के लिए कल्पनाकार के लिए उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। प्रतिज्ञा हेतु उसको निभा सकने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए। योजन के लिए उद्घोष को, विवाद निर्णय हेतु चुप रहने वाले को, बहुवादी हेतु आडंबर का आघात करने वाले को, महिमा हेतु वीणा वादक को, और भीषण स्वर के लिए ढोल बजाने वाले को, ठीक ठीक आवाज हेतु शंख वादक को, वन रक्षक को, अन्य वनों की रक्षा के लिए दावा नल रक्षक हेतु नियुक्त करना चाहिए।